ग्वालियर में भैंसों के बीच लड़ाई होने से उनके मालिकों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में जमकर कुल्हाड़ी डंडे चले। इसमें एक ही परिवार के 11 लोग और दूसरे पक्ष के 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। बिजौली थाना क्षेत्र के ग्राम दुइया में दो परिवार के मवेशियों के बीच लड़ाई खून खराबे का कारण बन गई। संघर्ष हरी सिंह बघेल और उनके पड़ोसी रामधन बघेल के परिवार के बीच हुआ। सुबह हरी सिंह भैंस को चराने निकला था। परमवीर की भैंस भी घर के बाहर बंधी थी। दोनों आमने सामने आई तो लड़ने लग गई। रामवीर का कहना है कि उन्होंने हरी सिंह को टोक दिया। हरी सिंह को टोकना बुरा लगा, उसने लाठी मारी और शोर मचाकर परिवार के दूसरे लोगों को भी बुला लिया यह लोग कुल्हाड़ी डंडे और हंसिया लेकर आ गए और जो सामने आया उसे मारते गए। दुइया में क्या है, हरी सिंह बघेल है ना, वो हमारे खेतों को जबरदस्ती जोत रहा था, तो उनको रोका तो हमारे जो चाचा थे मुकेश और कल्लू, बंसी नाम कल्लू बोलते हैं, उन्होंने रोका तो उन पर डायरेक्ट ही उन्होंने, वो तो सब रेडी थे लड़ने के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि इसको मत जोते, हमारा खेत है, इसको क्यों जोत रहा है, सीधे आके कुल्हाड़ी और लोहे की रोड़ों से हमला कर दिया। आज सुबह के समय जो है ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुइया गांव में दो फैमिलीज में झगड़ा हो गया था। भैंस चराने के ऊपर उनका विवाद हुआ था। दोनों परिवार जो है बघेल समाज से आते हैं। एक परिवार में 11 लोग इंजर्ड हैं, दूसरे परिवार में 3 लोग इंजर्ड हैं। दोनों केसेस में जो है FIR हुई है। इसमें से कुछ विक्टिम्स जो ऐसे हैं जिनको एक्सरे ओपिनियन वगैरह के लिए बोला गया है, कुछ इसमें अभी भर्ती हैं, कुछ अपने घर जा चुके हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।